हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटो टेक्स्ट की, या इसे आप बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में, जहां हम बात करने वाले हैं आज एक इनसाइट टाइप की एक और ऑप्शन, जिसको हम लोग ऑटो टेक्स्ट या बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे एमएस वर्ड में, चलिए देखते हैं। आज जो हम बताने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक, और या फिर आप उसको ऑटो टेक्स्ट भी कर सकते हो, तो उसके उपयोग के बारे में समझते हैं। बेसिकली इसका उपयोग क्या है और ये होता क्या है। एक्चुअली बेसिकली हम लोग जब कमांड परफॉर्म करेंगे तो क्यों कर रहे हैं, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि आप जब ऑफिसेज में वर्क करते हो, तो ये हो सकता है कि आप कोई फाइल या कोई जो टेक्स्ट है वो आप दिखाना नहीं चाहते हो सभी को। आपको कंप्यूटर पता है कि आपका पर्सनल कंप्यूटर वहाँ पे नहीं है, कोई भी आके इसमें काम करता हो, और आप कोई ख़ास फॉर्मेटिंग को रखना चाहते हैं जो आप हमेशा ही यूज करते हो। फॉर्मेटिंग बोलो, टेक्स्ट बोलो, या फॉर्मेटिंग किया हुआ टेक्स्ट बोलो, तो वो आप रखना चाहते हो इसमें आप अपने कंप्यूटर में, ताकि जल्दी सा कस्टमर या आपके क्लाइंट आए या फिर आपके टीचर मांगे तो आप तुरंत उनको बनाकर दे सको। जैसे आपको पता है कि आपके टीचर बोलने वाले हैं कि आपको कंप्यूटर पे ही आपको आंसर शीट देना है, डेट मीन्स आंसर्स लिखने हैं, तो आप पहले से आज का डेट या फिर डेट का सीट या अपना नाम, रोल नंबर या स्कूल का नाम या आंसर नंबर 1, इतना तक तो आपको टाइप करना पड़ता है। और लेकिन आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक में पहले से करके रख सकते हो। बेसिकली आप जो भी शॉर्टकट असाइन करना चाहो असाइन कर सकते हो, और जस्ट आपको एक छोटा सा की प्रेस करना पड़ेगा, डैट इज़ योर F3, और आपका पूरा वो फॉर्मेटिंग आ जाएगा। उसके आगे आप टाइप करके अपना काम कर सकते हो। उसी तरह अगर ऑफिस में या फिर आप कोई होटल के रिसेप्शनिस्ट हो, तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा हमेशा आप अपने क्लाइंट या कस्टमर को देते हो, तो बार बार कॉपी पेस्ट करना या फिर बार बार आपको इधर से उधर फाइल लाना और कंप्यूटर पे ही, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो उस केस में आप इसका शॉर्टकट बना के पहले से रख सकते हो कि आप सिर्फ A प्रेस करो और उसके बाद एक की प्रेस करो, हो गया आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस का कॉपिंग फॉर्मेटिंग किया हुआ आ गया है। अब इसका प्रिंट मारो, अपने क्लाइंट या कस्टमर या टीचर को दे दो। बस यही चीज़ है आपका बिल्डिंग ब्लॉक या ऑटो टेस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बेसिकली करते क्यों हैं, तो इसको क्यों करते हैं, ये तो आपको आ गया होगा। अब चलते हैं अपने प्रोसीजर के ऊपर, इसको कैसे करेंगे। सपोज पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपको एक SBI नाम का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टेलीफोन नंबर हो गया, फैक्स नंबर हो गया, क्लाइंट आईडी हो गया, या फिर आपका क्लाइंट आईडी नहीं एम्प्लॉय आईडी हो गया, ये हमेशा ही लिखना पड़ता है जब भी आप अपने ऑफिस कवर करते हैं, तो इसको लिखना पड़ता है। तो इसको कैसे हम लोग चुटकी में कर दें कि अब आओ कंप्यूटर पे, कंप्यूटर खोलो और कॉपी पेस्ट भी ना करना पड़े और तुरंत ये लिखा जाए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं तैयार करूँगा वो चीज़ जो मैं बार बार मुझे चाहिए, तो मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब मुझे इसका मान लो कि कोई स्टेट का नाम है, जैसे मैं लिख देता हूँ न्यू दिल्ली। इंटर किया मैंने, यहाँ पे फैक्स या फोन नंबर या ईमेल आईडी आप जो चाहो जो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिकली मेलिंग आईडी लिख देता हूँ। sbi.gmail.com मान लीजिए कि इसका ईमेल आईडी है, मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली कुछ भी लिख दिया हूँ। इंटर किया और यहाँ पे और भी कुछ लिखना चाहो तो फोन मैं 0000000 कोई भी फ़ोन नंबर आप चाहो तो लिख सकते हो। अब बेसिकली इतना को मैं सेंटर्ड कर देता हूँ
कंट्रोल ए किया मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंटर कर दिया सेंटर। अब मुझे इसी फॉर्मेट को बार बार चाहिए, तो मैं यहाँ सिलेक्शन हटा रहा हूँ ताकि आपको वापस सिलेक्शन करूँ तो समझ में आए। yes. मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस किया और मैं वापस से देखिए, जिसको भी आपको बिल्डिंग ब्लॉक या ऑटो टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है या बनाना होता है तो उससे आप सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हो उस चीज़ को। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए किया मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मेल हिट कोलन बिकॉज़ नंबर सपोर्टेड mail.com फोन कोलन 0000। अब मुझे इसे प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस F3 जो कि बिल्डिंग ब्लॉक बनाने का कमांड है। मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट प्लस F3। क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक डायलॉग नेम कोलन एडिट ऑल्ट प्लस N सिलेक्टेड स्टेट बैंक। और यहाँ पे मैं SBI लिख दूंगा, SBI सिलेक्शन रिमूव्ड, SBI ही लिख देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट 1-Microsoft Word, Microsoft Word डॉक्यूमेंट एडिट मल्टीलाइन सिलेक्टेड स्टेट बैंक। अब ये बन गया है, अब मैं इसको बंद कर दूंगा और चाहो तो इसको सेव करूं या ना करूं, लेकिन एक डायलॉग आएगा जिसमें बोलेगा ये बिल्डिंग ब्लॉक जो बना है उसको सेव करना है, तो उसमें ओके कर दूंगा मैं। वो बेसिकली ओके पे ही होता है, आप जैसे ही सब कुछ बंद करोगे अपने आप सेव हो जाएगा। और आप कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट खोलो और उसमें सिर्फ आप SBI लिखो और वही SBI होना चाहिए जो SBI आपने बिल्डिंग ब्लॉक का नाम में डाला है, और ये आपने F3 प्रेस करोगे और वो आ जाएगा। चलो करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा SBI और कुछ नहीं किया, बस F3 प्रेस किया मैंने, ये आ गया होगा। चलिए देखते हैं, आ गया। तो यही है आपका बिल्डिंग ब्लॉक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो छोटा सा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, आप चाहो तो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत बड़ा कॉपी या फॉर्मेटिंग जैसा भी चाहो जो भी चाहो बिल्डिंग ब्लॉक बना के अपने सिस्टम में रख सकते हो। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप चाहो तो अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना आंसर नंबर 1 या आंसर नंबर 2 या कुछ जो बेसिकली प्री एग्जामिनेशन के पहले वाले जो काम होते हैं आप वो पहले से कंप्यूटर में सेटअप करके रख सकते हो ताकि आपको बाद में सुविधा हो। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।